Now I would like to address to Shri Durga Shankar Mishra ji. Sir, we have heard Rajender Singh ji at the rural level. Now we come to the urban level, where the impact will be on much larger scales. Your ministry has been the authority in developing the urban infrastructure. It's so much focused now on India Atmanirbhar, and your ministry is focusing on providing infra support for all the Make in India initiatives. What are the plans and directives for your ministry, and how you are managing in light of the urbanization, is particularly you have announced the smart cities? And sir, I will also like you to touch upon one subject with regards to the sewage treatment plants that are getting developed in across India. Whether it's a debate which goes on in the water fraternity always, whether the centralized large STPs are better or a decentralized STPs are better, and how we can address the water pollution at the source itself, at the local area, or consolidating in a bigger way. So particularly with directive on the NGT norms about the discharge norms which are within the water body internally or externally. So, sir, we would like to hear from you. Thank you, Ramamurthy sahab. पहले तो मैं राजेंद्र सिंह वाटरमैन जी को नमस्ते करता हूँ और तमाम सारे लोग जो इस कार्यक्रम में आपके इस वर्कशॉप में जुड़े हुए उन तमाम सारे लोगों को मैं नमस्ते करता हूँ. और राजेंद्र सिंह जी से क्यों लेता हुआ, मैं भी हिंदी में ही बोलूंगा, मैं अंग्रेजी में नहीं बात करूंगा. तो आपको हिंदी में बोलता देखा, मुझे हिंदी बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं भी हिंदी में बोलूंगा, लेकिन राजस्थानी नहीं बोलूंगा, क्योंकि उनको राजस्थानी में उनको थोड़ी वहां पे काम करके उनको उसकी काफी मास्टरी हो गई है. तो पहले तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनसे मेरी ये दूसरी मुलाकात है. कॉन्फ्रेंस में जब मैं उत्तर प्रदेश का प्रमुख सचिव नगर विकास हुआ करता, तो एक कॉन्फ्रेंस में हमारी मुलाकात आमने सामने एक ही हम लोग दोनों मंच पे थे, तब हमारी मुलाकात हुई थी. और आज आप डिजिटल माध्यम से मुलाकात हो रही है, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी मैंने, बीच में हमारे कांटेक्ट भी हुआ करते थे. तो आपके अंदर जो एक पैशन है, और वो पैशन मुझे नहीं मालूम था, ये कहानी सुनकर के अच्छा लगा कि एक गांव के अनपढ़ किसान ने आपको ये कहानी बताई और कैसे आपको इस पे मास्टरी करा दी. वैद्य से आपको जो है पानी का जो वैद्य बना दिया, ये बहुत बड़ा, ये आपकी कहानी सुनकर के बहुत मुझे अच्छा लगा. तो के लिए मैं बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूं, और मैं समझता हूं कि आपका यह पैशन बना रहेगा. जो आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल संरक्षण की बात 2019 के स्वतंत्रता दिवस का जो लाल किले के प्राचीर से पूरे देश को संबोधन होता है, उन्होंने जल संरक्षण की बात की थी, और इसी जल संरक्षण के तहत तमाम सारा काम पूरे देश भर में हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है, शहरी क्षेत्र में भी हो रहा है. तो मैं समझता हूँ कि जो उसमें राजेंद्र सिंह जी की बहुत बड़ी भूमिका है, जो उनकी लर्निंग है, उस लर्निंग को आगे बढ़ाया जा रहा है. तो ये इसके लिए उन्हें धन्यवाद दूंगा. इसके बाद मैं, आपने अर्बन एरिया की बात की राममूर्ति जी, अर्बन एरिया देखिए उसके एक अलग किस्म के चैलेंजेस, अलग किस्म की चुनौती है. जो 2011 का हमारा जनगणना हुआ था, उसमें हमारे शहरी इलाके में लगभग 38 करोड़ लोग रह रहे थे, जो देश की आबादी के 31% से ज्यादा थे. लेकिन जो पिछले 2 दशकों में देश में शहरी क्षेत्र का जनसंख्या में जिस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है, अगर उस संकेत को लेकर के चले तो अंदाजा यह है कि 2030 तक हमारे देश में लगभग 40% यानी लगभग 60 करोड़ लोग शहरी इलाके में रहेंगे. और यही अगर इस प्रकार का बढ़ोतरी होता रहा तो 2051 का जो हमारा मतगणना होगा तो देश में लगभग 88 करोड़ के आसपास लोग, 88 करोड़, जो कि मोर देन 50% होगा, हमारा देश ओवरऑल ये एक शहरी इलाका, शहरी देश हो जाएगा. ये हमारी जनगणना 2051 में होगी. अब जिस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि जो आज के डेट में अनुमान हमारा है लगभग 40 करोड़ लोग रहते हैं, 2050 यानी केवल 3 दशकों में हम उतनी ही आबादी शहरी इलाके में और बढ़ा लेंगे. अब जिस प्रकार से देश के अर्बन इलाके में आने का, मैं खुद एक गांव का रहने वाला हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, गांव में पैदा हुआ, हमारी शुरुआती शिक्षा हुई और उसके बाद में शहर में आया. जब गांव से कोई शहर में आता है उसकी तमाम किस्म की आकांक्षाएं होती, गांव में वो जैसे भी रह ले, लेकिन शहर में आते हैं उसको अच्छा रहने के लिए मकान भी चाहिए,
उसको सुख सुविधा के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए, बच्चों के लोगों के घर के लोगों के स्वास्थ्य के लिए, अपने इंटरटेनमेंट के लिए और तमाम सारी चीजें, उसको अपनी जो एक उसके अंदर जो जो उसके कौशल है उस कौशल को पूरी तरह से उसकी उसका लाभ लेने के लिए, उसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो, उसके लिए एक अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, ये तमाम सारी चीजें वो ढूंढता है। जिस प्रकार से शहरों का विकास हुआ, एक बार जब गांव से कोई शहर में आता है तो उसको सबसे पहले तो वो झुग्गी झोपड़ी में रहने का रखना पड़ता है क्योंकि उतना एफोर्ड नहीं कर सकता है, वो अनऑथराइज कॉलोनीज में रहता है, इनफॉर्मल सेटलमेंट में रहता है क्योंकि वो एफोर्ड नहीं कर सकता, नॉर्मल एफोर्ड नहीं कर सकता, उसको पानी की समस्या से लेकर के नौकरी की समस्या से लेकर के स्वास्थ्य तमाम सारी समस्याओं से वो तमाम किस्म की चुनौतियों से जूझता है और इसके नतीजन वो टूटने लगता है, उसकी जो अर्थव्यवस्था में जो एक योगदान होना चाहिए वो नहीं होता है। इन सारी चीजों को देखते हुए 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में आए तो उन्होंने पूरी इस चुनौती को एक अवसर के तौर पर देखा। और आपको ध्यान होगा कि 2014 के 15 अगस्त 2014 के स्वतंत्रता दिवस पे जो लाल किले के प्राचीर से देश का संबोधन होता है उसमें उन्होंने एक स्वच्छ भारत का अभियान शुरू करने की घोषणा की। तमाम सारे लोग इस बात का शक था क्योंकि आज आप एनवायरमेंट की बात करें, फ्यूचर ऑफ एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, तमाम लोगों को शक था कि ये लाल किले से पूरे देश को स्वच्छ करने की चुनौती कितनी बड़ी समस्या होगी, क्या ये कोई देश कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लोगों को विश्वास नहीं था। लेकिन आज लगभग 6 सालों के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारे देश का हर नागरिक को इस बात का पूरा विश्वास है, हमने बहुत बड़ा रास्ता चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र में उसको नापा है और आगे के लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर ये हमारी अगर व्यवस्था बनी रही तो आने वाले समय में बिल्कुल स्वच्छ हो जाएंगे। जो हमारा लक्ष्य था, आपको मैं शहरी इलाके के बारे में बता दूं, आज हमारे देश के कुल 4372 शहर है, उसमें 12 शहर वेस्ट बंगाल का अगर छोड़ दें, उसके बारे में पिछले हफ्ते में वेस्ट बंगाल कलकत्ता में था, उन्होंने कहा कि मार्च तक पूरा कर लेंगे, 100% सारे शहर हमारे ओपन डेफिकेशन पे, यानी कहीं बाहर डेफिकेट करने की शहरों में आवश्यकता नहीं है। हमारे हम ODF से संतुष्ट नहीं है बल्कि हमने ODF प्लस यानी हमारे टॉयलेट में पानी भी है, बिजली भी है, उसका पूरा उसमें हाइजीन भी है, उसको इंश्योर करते हुए उसे हमने ODF प्लस किया और आज हमारे 1500 से ज्यादा शहर ODF प्लस हो चुके हैं। जो फीकल स्लज है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है, प्रॉपर उसको जो है उसको हम ले जाकर उसको ट्रीट करें, इसके लिए ODF प्लस प्लस हमारे लगभग 500 शहर हमारे ODF प्लस प्लस है। अगर गार्बेज के बारे में देखें शहरों में तो हमारे लगभग मैंने ये आप 2014 के पहले किसी देखें हम केवल 14 से 15% अपने कूड़े को प्रोसेस कर पाते थे, आज हम 68% कूड़े को प्रोसेस कर रहे हैं और आने वाले समय में हम 100% कूड़े को प्रोसेस करेंगे साइंटिफिकली, जिससे हमारे लिए लैंडफिल की समस्या न रहे। आज लैंडफिल के बारे में हजारों एकड़ जमीन, कल ही मैं अहमदाबाद में था, अहमदाबाद गांधीनगर में पूरा 2 हेक्टेयर जहां पे 100 फीट का एक लैंडफिल पड़ा हुआ था वो साफ हो गया था और आज वहां पे एक अच्छा प्लांटेशन होने जा रहा, एक बढ़िया पब्लिक के लिए स्पेस बनने जा रहा। आप इंदौर में देखें, तमाम सारे हिंदुस्तान भर में एक इसकी मुहिम चली हुई है कि जो हमारे कूड़े के बड़े बड़े ढेर होते थे अब उसको पूरा साफ करके वहां पे एक पब्लिक स्पेस बनाया जा रहा है। तो ये एक सफाई के बारे में एक जो इतनी अच्छी मुहिम चली है, जो लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ, मैं समझता हूं कि आने वाले समय के लिए वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान करेगा। ये आज हमारे पास जो शहरों में लोग जाते थे टॉयलेट कहां पे ढूंढ नहीं सकते, अब बाजार में करीब 60,000 से ज्यादा टॉयलेट हमारे गूगल मैप के ऊपर आ चुके हैं। हम BHU IT की एक टेक्नोलॉजिस्ट के बीच में बात कर रहे हैं, कैसे हमने IT का प्रयोग किया कि आप कहीं भी जाएं और उस गूगल ऐप के माध्यम से नियरेस्ट टॉयलेट कहां वहां पे पहुंच सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज पूरे देश में एक जन आंदोलन के तौर पर हमने IT का इतना प्रयोग किया हुआ है कि हम पूरे देश के 40 करोड़ लोगों का सर्वेक्षण करते हैं केवल 4 हफ्तों में। आज एक एक जानकारी हमारे सारे MIS के माध्यम से कंप्लीटली है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, लोगों को इसमें जोड़ते हैं कि किस प्रकार से हम अपने देश को अधिक से अधिक सफाई कर सकें, लोगों को इसमें जोड़ करके एक नई व्यवस्था दे सके। दूसरा जो पानी की बात राजेंद्र सिंह जी ने जो बात की पानी के बारे में कि हमारी योजना लागू की गई अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये योजना लगभग 78,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, आप सोच नहीं सकते कि जिस रफ्तार से पिछले सालों में काम हुआ है, अभी जरूर थोड़ा सा विलंब हुआ, योजना हमें 2021 में पूरी करनी थी, 1-2 साल और लग सकते हैं, लेकिन आज के तिथि में जो करीब हमारे
5,500 एमएलडी पानी का जो हमको लोग व्यवस्था करनी थी, लगभग 3,500 एमएलडी पानी की व्यवस्था हो चुकी है, जो कि या तो रिजुमिनेट हुए हमारे सोर्सेज या उसको नई बनाई गई है, और लगभग 95 लाख नए कनेक्शन वाटर के कनेक्शन हमारे 500 शहरों में दिए गए थे। हमारा अनुमान था जो 5 साल पहले लगभग 1.39 करोड़ लोगों के घरों में पानी के कनेक्शन नहीं थे, इसमें से 95 लाख को कनेक्शन दिया जा चुका है। जहां तक सीवर का सवाल है, सीवर सिस्टम तो हमारे बहुत ही कॉस्टली सिस्टम है, हम केवल सीवर सिस्टम में पड़े थे पहले। इधर हमने फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, आप लोगों को टेक्नोलॉजी उसको मालूम होगा, जो दुनिया भर में टेक्नोलॉजी थी हमारे हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी नहीं थी। 2017 से हमने एक मुहिम चालू की, आज तमाम सारे राज्यों तमाम सारे शहरों में फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के ऊपर जो है बहुत काम हो रहा है, जिससे कि आप फीकल स्लज को आप उसे पिक कर सके, उसे सेफली ट्रांसपोर्ट कर सके और उसको सही तरीके से उसको ट्रीट कर सके। और नतीजन ये कि लगभग 5,500 एमएलडी का हमारा टोटल सीवर ट्रीटमेंट का जो कैपेसिटी बनाना था, जिसमें से आज हम लगभग 1,000 एमएलडी का बना चुके हैं, और अगले 2 साल में जिस तेजी से काम चल रहा है उसमें हम समझते हैं कि सारे के सारे अगले 2 साल में हमारा ये बन जाएगा, जिससे देश में सीवर ट्रीटमेंट का जो 31-32% 2014 में हमारी व्यवस्था थी, आज हम 60-62% तक उसको पहुंच सकेंगे, और आने वाले 4-5 सालों में हम 100% पहुंचने की पूरी मद्दा रखते हैं। हमारा जो गैप था लगभग 1.45 करोड़ जो लोगों के घरों में सीवर या सेप्टेज की इसकी कमी थी, जो कि आज के डेट में लगभग 55 लाख ये हमने कनेक्शन दिए। और खुशी की बात है, कोरोना काल में लगभग 15 लाख हमने वाटर कनेक्शन दिए, 9 लाख के आसपास सीवर कनेक्शन दिए, यानी कोरोना की चुनौती ने भी हमें इस काम से नहीं रोका। आने वाले समय में हम अमृत का एक नया वर्जन, जल जीवन मिशन, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, रूरल एरिया के लिए लागू हो चुका है, शहरी एरिया में कैसे हम अपने शहरों को वाटर सिक्योर सिटी बना सके, कैसे हम वाटर बैलेंस को मेंटेन कर सके, जो राजेंद्र सिंह जी बता रहे थे कि कैसे वाटर पर्कुलेशन के माध्यम से वाटर व्यवस्था को बना सकते हैं, कैसे हम लोग ट्रीट कर सके। आपको जानकर के खुशी होगी, जो 1,000 एमएलडी का हमने जो आज सीवर ट्रीटमेंट प्लान है, उसमें से करीब 900 एमएलडी हम उसको रिसाइकिल कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, यानी ट्रीटमेंट के बाद हम यूज कर रहे हैं। इतना हाई रीयूज एंड रीट्रीटमेंट का जो है हमारे यहाँ व्यवस्था कभी पहले थी ही नहीं। आने वाले समय में हमारा ये लक्ष्य है कि जो भी हम लोग सीवर ट्रीटमेंट से पानी निकालें उस पानी को रीयूज करें। जो हम कॉलोनीज बनाते हैं, जो तमाम सारे अकोमोडेशन बनाते हैं, उसको हम लोग डुअल पाइपिंग सिस्टम, आज के डेट में हमारे जो प्लानिंग का जो डायरेक्शन दे रखे हैं, डुअल पाइपिंग हो, जिससे हम पानी का सही उपयोग कर सकते हैं। ये हमने लगभग 1755 ग्रीन एरिया बनाए, ग्रीन स्पेसेस बनाए अमृत स्कीम में, जिसमें करीब 5,400 एकड़ का एक परकुलेशन का, जिससे पानी वहां परकुलेट करके ग्राउंड से रिचार्ज हो सके, इसके लिए भी हमने कार्रवाई की। लगभग 1600 स्थानों पे जो ड्रेनेज की, जहां पे पानी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती थी, आप जानते हैं उससे तमाम किस्म की समस्याएं होती हैं, उसमें से वहां पे आज वाटर लॉगिंग की समस्या ड्रेनेज के नाते खत्म हो। एक और स्कीम जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आपको जब लोग शहर में आते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं या उनको प्रधानमंत्री ने चैलेंज दिया कि हम पूरे देश में सबको मकान देंगे, जिसके पास मकान छोटा है, मकान नहीं है, उनको मकान देंगे। और ये जब 2015 में हमने इसका अनुमान किया राज्यों के माध्यम से कि क्या इसके हमारी मांग होगी, लगभग 1 करोड़ लक्ष्य के विरुद्ध, मुझे खुशी है कि लगभग 1.09 करोड़ मकान हम लोगों ने सैंक्शन कर लिया है, जिसमें 70 लाख से ज्यादा मकानों का काम कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, और लगभग 41 लाख लोगों को मकान दिए जा चुके हैं। और ये मकान केवल दीवाले नहीं है, बल्कि मकान जिसमें पीने का पानी है, जिसमें बिजली है, बिजली का कनेक्शन है, जिसमें गैस का कनेक्शन, जिसे चूल्हे पे खाना बना सके, जिसमें टॉयलेट बना हुआ है, जिसमें सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं, जिससे कि लोग अपनी आकांक्षाओं को, अपनी लक्ष्य को जो सोचते हैं उसको पूरा कर सके। ये मकान जिस तेजी से बन रहे हैं, दुनिया में मैं समझता हूं कि इस रफ्तार में इतने मकान कहीं नहीं बने होंगे। अभी हाल में आप BHU IIT से हमारे IIT के इंजीनियर्स बात कर रहे हैं, 6 स्थानों पे हमने लाइट हाउस प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 जनवरी को 6 स्थानों पे जो ये किया, जिसमें दुनिया की बेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हमारे सिविल इंजीनियर्स हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा, चेन्नई में, साउथ में, इंदौर में, जो सेंट्रल एरिया में, राजकोट में, वेस्ट में, लखनऊ में, नॉर्दर्न एरिया में, रांची में, ईस्ट में, और अगरतला में, नॉर्थ ईस्ट में, यहां पे 6 ऐसी टेक्नोलॉजी लगभग
छह मंजिल से लेके 14 मंजिल तक के 1000 से ज्यादा मकान बनेंगे, ये मुश्किल से 8-10 महीने बनेंगे। ऐसे मकान जो कि रिसोर्स एफिशिएंट है, ऐसे मकान जो कि क्लाइमेट रिजिलियंट है, ऐसे मकान जिनको बहुत तेजी से बनाया जा सकता है, और तमाम सारी चीजें। मैं IIT के इंजीनियर्स को, BHU IIT के इंजीनियर्स को, तमाम सारे लोगों को उनको आमंत्रित करूंगा कि एक बार जब ये सारे मकान, ये पहली जनवरी को ग्राउंड हो चुके हैं, इन पर काम चालू हो गया, अगले 2-3 महीने में जिस तेजी से काम चलेगा, एक फैक्ट्री में जैसे काम होता है कि बगल में फैक्ट्री में सारा फैब्रिकेशन हो रहा है और वहां पे जाकर के मौके पे उसकी असेंबली की जा रही है, ऐसे जो काम होंगे, एक नई चीज होगी जिससे कि हमारे आने वाले समय में करिकुलम में आए, और यही टेक्नोलॉजी हमारी हिंदुस्तान की अपनी टेक्नोलॉजी होगी। इसके साथ ही साथ हमारे 5 जगहों पे अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स, IIT चेन्नई में, IIT मद्रास में, IIT बॉम्बे में, IIT खड़गपुर में, IIT रुड़की में, और जो नेशनल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनका एक लेबोरेटरी है जोरहाट में, वहां पे इन 5 जगहों पे आशा इंडिया की शुरुआत की गई है, जिससे कि हमारे जो यंग इंजीनियर्स हैं वो इनक्यूबेट करें नई आइडिया बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में, बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, जिससे आने वाले से हम लोग इसको मास्टर कर सकें। और इसके अभी कल मैं अहमदाबाद में एक ग्रुप से मिला था, इन लोग का जो काम देखा, देख करके लगता है कि कैसे हमारे बच्चे इतने अच्छी अच्छी चीजें स्टार्टअप के तौर पर बना सकते हैं, हमें उसको आगे बढ़ाना है। जो हमें स्मार्ट सिटी मिशन की जो आपने बात की रामूर्ति जी, स्मार्ट सिटी मिशन में हमारे जो 100 सारे वो हमारे लेबोरेटरीज है, वो लेबोरेटरी से हम लोग नई नई चीजें सीख करके कि हमारे आने वाले समय में अर्बन एरिया में कैसे हम वाटर कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम रिसोर्सों को, रिसोर्सेस से मोर फ्रॉम लेस, जो हमारे पास उपलब्ध है उससे कैसे अधिक से अधिक लोगों को देकर उनकी जिंदगी को सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में काफी कुछ काम हुआ। और उन लर्निंग को आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, जिस प्रकार से चाहे सोलर के बारे में हो, वाटर के बारे में हो, अर्बन प्लानिंग के बारे में हो, रोड सेक्टर के बारे में जो जो काम हुए हैं वो तमाम सारे पब्लिक डोमेन में है, उन चीजों को हम तमाम सारे शहरों तक लेके जाएंगे। एक और चीज जो लास्ट चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा वो है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। LED लाइट, आपको जानकर खुशी होगी, लगभग हमारे 500 शहरों में 1 करोड़ LED लाइट समय स्ट्रीट लाइट लगाने थे, 80 लाख से ज्यादा LED लाइट लगा चुके हैं, जिसमें 14 लाख टन से ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट हमारी कम हो रही है। ये हमारे वाटर पंप्स, लगभग 13,000 वाटर पंप्स को एनर्जी एफिशिएंट 30-40% हम एनर्जी बचा सकते हैं, उसमें से 600 को हम कर चुके हैं, बाकी को भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी जो सोलर लाइट है, जो सोलर लाइट बनाने का जो है इसके बारे में हमारे, चाहे वो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो, चाहे हमारे हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हो, या गवर्नमेंट के जो बिल्डिंग्स हो, हर जगह हमारे इसमें स्मार्ट सोलर के बारे में तमाम सारी कार्रवाई हो रही है। जो हमारे स्मार्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 53 शहरों में बने हैं, उसके माध्यम से लोगों को जिंदगी सुधार करने के लिए, अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करने के लिए तमाम सारी चीजें हो रही है। तो ये हमारा अर्बन एरिया में एक नए किस्म का रिजुवनेटेड, एक नई किस्म की शक्ति ला करके, जिससे कि जो लोगों को ईज ऑफ लिविंग हम लोग दे सकें, जिससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें, लोगों को एक ऐसी व्यवस्था दे सकें जिससे कि वो जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ उनकी क्षमता हो, अपनी क्षमता के मुताबिक वो बेस्ट से बेस्ट काम कर सके, इसके बारे में कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे जरूर मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सर, इतने कम समय में आपने कंप्लीट मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के डेवलपमेंट्स और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटली एनवायरमेंटली सस्टेनेबल के बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए रियली इंस्पिरेशनल डायरेक्शन मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर।